हेलो फ्रेंड्स, मैं सपन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे जो टॉपिक है उनका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अपने पास दो या तीन टॉपिक आते हैं, जिनमें है डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री और वूल इंडस्ट्री। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास नेक्स्ट आएगा कोरल एंड कोरल रीफ्स। क्या कोरल और कोरल रीफ्स क्या चीज होती है उसको अपन पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या चीज होती है इसके बारे में इसकी डिफाइन देखिए। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रीकल्चर साइंस ही क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसमें इन विच डोमेस्टिक एनिमल्स आर रेयर्ड एंड केयर फॉर देयर फूड हैबिटेट्स हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एग्रीकल्चर साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके मिल, उनके फूड, उनके हैबिटेट्स, उनकी हेल्थ और उनके रिप्रोडक्शन के लिए क्या करा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। तो वो जो प्रोसेस होती है पूरी, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, क्या है वापस से देख लीजिए कि भाई एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या कर रहे हैं, सारे एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, एक पाल करके, मतलब उनको पालन पोषण, उनको खाने के लिए जगह, खाने के लिए जो खाना चाहिए वो प्रोवाइड कराना, प्लस उनके लिए जो रहने के लिए जगह चाहिए उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये सब चीजें प्रोवाइड करना जो होता है वो क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, देखिए इसके अंदर फर्स्ट अपने पास डेयरी इंडस्ट्री, फर्स्ट आ गया है डेयरी इंडस्ट्री। अब डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी से कौन क्या मिलते हैं, दूध, और दूध कहाँ से मिलेगा, गाय, बफेलो, यानी कि काउ, बफेलोज और गोट, ये तीन हैं। बफेलोज आर कंसिडर्ड बेस्ट फॉर डेयरी इंडस्ट्री। बफेलोज को सबसे बेस्ट माना जाता है डेयरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो बफेलोज होती है वो क्या होती है, जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती है। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। द मेन वेराइटीज ऑफ हाई यील्डिंग बफेलोज, यानी कि ज्यादा जो दूध देने वाली बफेलोज की अलग अलग प्रजातियां होती है ना, जो अलग अलग प्रकार की भैंसें होगी उनके लिए अपन उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट अपने पास जफरा बाड़ी, नेक्स्ट है मुरा, थर्ड सूसी, फोर्थ भदवारी और फिफ्थ अपने पास है लास्ट मेहसाना ईटीसी। ये अलग अलग प्रकार की क्या है, उनकी जो प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं बफेलोज में, जो क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ काउ, यानी कि ज्यादा मात्रा में दूध देने वाली काउस जो गायें होती हैं वो कौन सी हैं, आर एज गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी और हरियाणा ईटीसी। ये इस प्रकार के कुछ प्रजातियां हैं गायों की जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रही है, मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, और फिर इनका यूज किया जाता है डेयरी इंडस्ट्रीज में काम में ले जाता है, इनके मिल्क को काम में लेकर के डेयरी में जिस तरीके से हमको मिल्क प्रोवाइड होता है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ गया अपने पास पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या चीज है, देखिए द पोल्ट्री बर्ड्स आर रेयर्ड फॉर मीट एंड एग्स। पोल्ट्री क्या चीज होती है, मतलब बर्ड्स जो होती हैं उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको केयर की जाती है, उनको रखा जाता है, किस लिए, उनसे मिलने वाले अंडे और उनसे मिलने वाला जो मांस होता है जिसको लोग खाने के काम में लेते हैं उनके लिए, मीट जिसको बोलते हैं। द पोल्ट्री बर्ड्स आर रेयर्ड फॉर मीट एंड एग्स, पोल्ट्री बर्ड्स को पाला जाता है किसके लिए, उनके मीट और उनके एग्स यानी अंडों के लिए। दिस इंडस्ट्री सप्लाइज एडिबल प्रोटीन इन ए लार्ज अमाउंट। इस प्रकार की इंडस्ट्री क्या करती है, ज्यादातर मात्रा में जो खाने वाला प्रोटीन होती है उसको सप्लाई करने का काम कर रही है, क्योंकि जो मतलब एनिमल्स के जो मीट होता है और दूसरी चीज इनके जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन सप्लाई करने का काम क्या हो गया, पोल्ट्री का हो गया ना। ठीक है, Hens should be provided hygienic habitat. अब जो मुर्गियां होती हैं उनको प्रॉपर जो कंडीशन चाहिए होती है हैबिटेट रहने की, वो प्रॉपर चाहिए होती है, एंड गुड हेल्थ फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ एग। अगर हमको उनसे अंडे चाहिए वो कैसे हैं, प्रॉपर अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी होने चाहिए, तो उनको बेटर जो हेल्थ कंडीशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्लस उनके रहने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब उनका हैबिटेट जो आसपास की जगह वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर उनको कंडीशन जो चाहिए वो नहीं मिलेगी तो उनकी हेल्थ खराब रहेगी, उनकी हेल्थ खराब रहने से क्या होगा, उसका इफेक्ट उनके एग्स पे पड़ेगा और अपना प्रोडक्शन क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ये थी बात पोल्ट्री की। अब इसके बाद आता है वूल इंडस्ट्री।
वूल इंडस्ट्री। देखिए ऐसी इंडस्ट्री इसमें क्या होगा, वूल का प्रोडक्शन किया जाता है, वो हो जाएगी वूल इंडस्ट्री। देखिएगा ध्यान से, शीप्स आर रेयर्ड एट ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन वूल। शीप्स यानी कि जो भेड़ें होती हैं उनको क्या करा जाता है, पाला जाता है। किस लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपन को वूल प्राप्त हो सके। और उस वूल को क्या किया जाता है, उसे कपड़े बनाए जाते हैं और भी दूसरा काम होता है जिनको वो काम में ले जाता है। ठीक है, देखिए वूल इज प्रिपेयर्ड बाय द हेयर ऑफ शीप। यानी वूल किससे मिलती है, जो शीप होते हैं, भेड़े होती हैं, उनकी जो मोटी खाल होती है, उसके जो बाल होते हैं, उनसे क्या करा जाता है, उनको निकाला जाता है, उससे क्या बनाई जाती है, वूल। और ये बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उनके थ्रू होता है। ठीक है, द कलर एंड स्पीसीज ऑफ स्पाइक स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ रीजन। अब इनका जो कलर है ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि जो ये भेड़े हैं यानी जो शीप्स है वो किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहती हैं, उनका क्लाइमेट जिस जगह पे वो रह रही है वहां का कैसा है। ठंडे क्लाइमेट में रहने वालों का कलर अलग होगा, गर्म क्लाइमेट में रहने वाले जो शीप्स होती हैं उनका कलर अलग होगा, और उनके कलर अलग होने की वजह से उनके जो मिल लगने वाले हेयर हैं, बाल हैं, उनका कलर अलग होगा, तो इनसे मिलने वाले वूल का कलर भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट। राजस्थान एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, किसके लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए। वूल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, राजस्थान का, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका इसमें ये निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है अपने पास कोरल एंड कोरल रीफ्स। कोरल एंड कोरल रीफ्स क्या चीज होती है, उनको अपन देखने जाते हैं। ये क्या होता है, एक टाइप का मोती होता है, जो क्या होता है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के पानी में पाया जाता है, बहुत कीमती इसको अपन मान सकते हैं। ठीक है, सिंगल और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, यानी कि या तो अकेला ऑर्गेनिज्म या फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म, विच बिलोंग्स टू कोलेंट्रा ग्रुप, जो बिलोंग करते हैं कोलेंट्रा ग्रुप में, ग्रुप से। कोलेंट्रा ग्रुप क्या है, टाइप का अपने पास ग्रुप है, जैसे अलग अलग प्रजातियों के ग्रुप होते हैं ना, इस प्रकार से भी प्रजाति है जिसका ग्रुप है। रिलीजेस ए स्केलेटन मेड अप ऑफ CaCO3 इज कॉल्ड कोरल। ये क्या करता है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे, सिंगल और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो कोलेंट्रा ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, क्या करते हैं, एक प्रकार का, विशेष प्रकार का सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं या स्केलेटन रिलीज कर रहे हैं, जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और उसको बोलते क्या है, कोरल। ठीक है, ये होता है कोरल। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द कोरल्स आर रिलीज्ड बाय एंथोजोआ। ज्यादातर जो कोरल्स होते हैं वो रिलीज किससे होते हैं, एंथोजोआ ग्रुप, ग्रुप की बात हो रही है, एंथोजोआ ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके थ्रू। ठीक है, लाइमस्टोन लाइक रॉक्स आर फाउंड बाय सेडिमेंटेशन रीफ्स ऑफ कोरल कॉलोनीज। यानी कि जो लाइमस्टोन होता है, जिसको अपन जानते हैं लाइमस्टोन, आपने उस नाम सुना होगा, लाइमस्टोन लाइक रॉक्स, लाइमस्टोन की जैसी जो चट्टाने होती हैं, आर फाउंड बाय सेडिमेंटेशन रीफ्स, वो जो रीफ्स होती हैं कोरल की, उनके सेडिमेंटेशन की वजह से पाई जाती हैं कोरल कॉलोनीज इन द कोल्ड कोरल रीफ्स। इसी को क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स। ठीक है, ये हो गया अपना कोरल एंड कोरल रीफ्स वाला टॉपिक कंप्लीट। तो यहां तक कंप्लीट करें, लास्ट के अपने कुछ एक दो टॉपिक और बाकी रह गए हैं, उसके बाद चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक पढ़ें, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है।